sensory, intermediate and motor. रिपीट करता हूं और फटाफट निपटा देते हैं. अपने बॉडी में अपन ने पढ़े थे दो ऐसे ऑर्गन्स है जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता हो. उसमें से एक अपन ने पढ़े थे ब्रेन. आएंगे सब चीजों पे आएंगे बेटा. ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऑलरेडी हो चुका था. ये हो गया ब्रेन एंड कंटिन्यूएशन में स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन ओके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये दो ऐसे ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैज द कैपेसिटी टू टेक द डिसीजन एंड टू कंट्रोल वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है सभी के सभी ऑर्गन को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दो ऐसे ऑर्गन है विच हैज द कैपेसिटी टू कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. फ्यू केसेस रहेगा बेटा उसमें तो ये नहीं है. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर are called as central nervous system. इसका short form है CNS. अब last period में हमने पढ़ चुके थे कि किसी ने अगर हमको pinch किया तो हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स है जो स्टिमुलस या पेन को रिसीव करते हैं जिसको हमने पढ़े थे रिसेप्टर्स. फिर हमने पढ़े थे मसल्स जो ऑर्गन के मूवमेंट्स कराता है इफेक्टर्स. लेकिन रिसेप्टर और ब्रेन, ब्रेन और इफेक्टर या तो मसल्स, ये चीजें एक में को कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नर्व. चाहे वो रिसेप्टर और ब्रेन के बीच का डिस्टेंस हो कनेक्टेड बाय नर्व, या ब्रेन और मसल के बीच का डिस्टेंस क्यों ना हो, इट इज कनेक्टेड बाय नर्व. और दो नर्व पढ़े थे हमने लास्ट पीरियड में. एक हमने पढ़ा था सेंसरी, दूसरा हमने पढ़ा था मोटर. लेकिन चाहे वो सेंसरी नर्व हो या फिर मोटर नर्व क्यों ना हो, है तो नर्व सेंसरी नर्व हो चाहे मोटर नर्व हो, है तो नर्व. सो आज का टॉपिक व्हाट इज नर्व. हमारे बॉडी में नर्व का मीनिंग हम लेते हैं. ऑलरेडी लास्ट पीरियड में अपन ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि नर्व रिसेप्टर और सीएनएस के बीच में रहेंगे या तो सीएनएस और इफेक्टर के बीच में रहेंगे. नर्व का फंक्शन मैंने पढ़ा चुका हूं, उसका मेन रोल होता है
conduction of impulses. But what is the structure of nerve? ये पढ़ेंगे. So what is nerve? ये हमको पढ़ना है. So nerve एक प्रकार का टिश्यू है. Nerve is what? A tissue. And a tissue is a group of cell. ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. सेल बोले बराबर, अगर आपको याद होगा, सेल बोले बराबर हमने एक चीज पढ़े थे. सेल बोले बराबर उसमें रहेगा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस. और अगर आपको याद होगा ये सब चीज हमने पढ़े थे बेसिक पार्ट्स. इन पार्ट्स के अलावा सेल में जो होता है दैट इज एन एडिशनल पार्ट्स. क्या होता है एडिशनल पार्ट? अभी पार्ट के अलावा एक आधा नया पार्ट अगर उसमें घुस जाता है तो हमने पढ़े थे उसका शेप चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा था मसल सेल, अगर आपको याद होगा. मसल सेल, सेल बोले बराबर, इसमें भी तीन चीजें कंफर्म है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. लेकिन अपन ने, अगर आपको याद होगा, अपन ने पढ़े थे मसल सेल में एडिशनल पार्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लाइक दिस, धागे समान स्ट्रक्चर. और इन धागे समान स्ट्रक्चर को अपन ने पढ़े थे मायोफाइब्रिल. और ये मायोफाइब्रिल एडिशनल पार्ट है. मायोफाइब्रिल इलास्टिक है और इसी मायोफाइब्रिल की वजह से मसल सेल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. कहने का मतलब यह है कि हमारे बॉडी में वैरायटी ऑफ सेल्स है. हमारे बॉडी में वैरायटी ऑफ सेल्स है लेकिन ये जितने भी सेल्स हैं, सभी के सभी सेल्स में एडिशनल पार्ट्स है और इन एडिशनल पार्ट की वजह से ही उसकी खासियत है. तो नर्व हमारे बॉडी का एक टिश्यू है और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल एंड नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल. नर्व टिश्यू is made up of cell called as nerve cell. और nerve cell का alternative name या scientific name neuron. So आप अभी nerve cell बोलो या neuron बोलो, बात एक ही है. Clear? So nerve is a tissue and this tissue is a group of neurons. So nerve is a tissue. Clear? So, nerve is a tissue. और जो nervous tissue है, it is made up of group of
न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक। अब व्हाट इज न्यूरॉन? अब चाहे आप वो न्यूरॉन बोलो या नर्व सेल बोलो, है तो सेल। इस वजह से न्यूरॉन या तो नर्व सेल में हमको एडिशनल पार्ट ढूंढना पड़ेगा। तो नर्व या न्यूरॉन की बात करते हैं अभी हम। सो न्यूरॉन और अ नर्व इज अ सेल। चलो बना देते हैं। तो नर्व या तो न्यूरॉन, ये एक सेल है। अब सेल बोले बराबर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें भी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अंदर में क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। फिर अंदर में क्या रहेगा? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। लेकिन हर एक सेल की खासियत मैंने क्या बताया? एडिशनल पार्ट। और नर्व सेल में जो एडिशनल पार्ट होते हैं, सो एडिशनल पार्ट्स इन नर्व सेल आर ब्रांचेस। क्या होते हैं? ब्रांचेस। और इसमें से दो प्रकार के ब्रांचेस हैं। एक होता है लॉन्ग ब्रांच। ये लो लॉन्ग ब्रांच। ठीक। द लॉन्ग ब्रांच इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ध्यान रखना बेटा, द लॉन्ग ब्रांच इज कॉल्ड एज एक्सॉन एंड द शॉर्ट ब्रांचेस। शब्दों पे ध्यान दो बेटा। मैंने जब लॉन्ग ब्रांच बोला तो ब्रांच बोला बेटा, मतलब सिंगल ब्रांच। लेकिन जब मैंने शॉर्ट बोला तो मेरे मुंह से क्या निकला वर्ड? ब्रांचेस। इसका मतलब यहां पे लॉन्ग ब्रांच मतलब एग्जॉन सिर्फ एक ही है, लेकिन शॉर्ट ब्रांचेस बोला मतलब शॉर्ट वाले जो ब्रांच है वो एक से ज्यादा है। ये हो गया शॉर्ट ब्रांचेस। ये लो एक से ज्यादा है। क्लियर? सो लॉन्ग ब्रांच एंड द शॉर्ट ब्रांचेस। तो इसमें से जो शॉर्ट ब्रांचेस जो रहेगी, ये हो गए शॉर्ट ब्रांचेस। ठीक। शॉर्ट ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। लेकिन यहां पे कोई एग्जॉन्स वर्ड आया क्या? नहीं। यहां पे क्या वर्ड आया? एग्जॉन आया, मतलब हाउ मेनी? सिंगल। सो द लॉन्ग ब्रांच एग्जॉन एंड द शॉर्ट ब्रांचेस डेंड्रॉन्स। मतलब एडिशनल पार्ट में ब्रांचेस में दो प्रकार के ब्रांचेस, एक होता है एग्जॉन और दूसरा होता है डेंड्रॉन्स। ठीक। एग्जॉन में कोई मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होता है, लेकिन डेंड्रॉन्स में मल्टीपल ब्रांचेस होती है। अब ये नीट वाले स्टूडेंट्स याद रखेंगे।
एडिशनल ब्रांचेस किसमें? डेंड्रॉन्स में. सो डेंड्रॉन्स में एडिशनल ब्रांचेस, ये हो गया एडिशनल ब्रांचेस. डेंड्रॉन के जो ब्रांचेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट्स. फिर डेंड्राइट्स के और मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगे, इसे नीट में याद रखना बेटा. हमको बोर्ड्स में इतनी आवश्यकता नहीं है. मीन्स डेंड्राइट्स के भी और माइन्यूट ब्रांचेस रहेंगे. ये माइन्यूट ब्रांचेस, और इन माइन्यूट ब्रांचेस को नाम दिया गया है टीलो डेंड्रॉन्स. क्या बोलते हैं? टीलो डेंड्रॉन्स. यू गेट टीलो डेंड्रॉन्स. ओके, सो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, ओके, सो न्यूरॉन एक प्रकार का सेल है. हाँ, सो न्यूरॉन एक प्रकार का सेल है.